नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। आप भी करीब आज आप विशाल भारत संस्थान द्वारा संचालित अनाज बैंक व तमाम पदों से आज यहाँ पर असाढ़ा में आए हैं। आपका उद्देश्य क्या है यहाँ पर? हमारा उद्देश्य है माननीय राजीव श्रीवास्तव जी द्वारा, जो मुझे आज मैं उनके संगठन में ज्वाइन हुआ हूँ जी, और हमारा उद्देश्य है गरीबों का हक दिलाना, ठीक, अन्याय के खिलाफ लड़ना और जो गलत कोई कार्य कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना, और जो भूख से गरीबी से है तो हम लोग आने वाले कल में यहाँ पर बैंक भोजन बैंक की व्यवस्था भी हम लोग करने जा रहे हैं आजमगढ़ में। यहाँ पे उसकी जो है बहुत जल्द ही खुलने वाली है शाखा, बनारस में हमारी चल रही है और शहरों में चल रही है। तो राजीव श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हम लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं और गरीबों के हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो चाहे कोई भी वर्ग का हो। सब गरीबों को, हिंदू मुस्लिम सभी को लेकर हम इस संगठन में चलेंगे और उनके न्याय के लिए हम लोग लड़ाई करेंगे। यह तो बहुत अच्छी बात हुई कि आप लोगों के द्वारा अनाज बैंक खोला गया वाराणसी में, और यहाँ पर समस्या यह कि गरीबों को लाभ यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल पाता है और छोटी छोटी बात को लेकर यहाँ के प्रशासन द्वारा उनको पीड़ित भी किया जाता है जी। मैं इसी के तहत मैंने राजीव श्रीवास्तव जी से मुलाकात भी की थी और उन्होंने कहा था कि हर गांव में हम लोग अपनी एक शाखा खोलेंगे और हर गांव के लोग को जोड़ेंगे ताकि जो ग्रामीण इलाकों में जो समस्याएं आ रही है उनको हम अपने अधिकारियों के द्वारा उसको हल कराएंगे ताकि उन समस्याओं से जो ग्राम के वासी हैं उससे लाभान्वित हों और उन्हें जो सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है वो स्कीम मिले। ठीक, हिसामुद्दीन जी ये बताइए जी कि आप इस संस्था से जुड़े हैं जी, जी। संस्था के आप जिला कोऑर्डिनेटर आजमगढ़ के हैं जी, हिंदू मुस्लिम संवाद से जी। तो आप इसको आगे किस तरफ ले जाना चाहते हैं इस संगठन को? हमारे डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी हमारे गुरु जी हैं, उनके आदेश का दीदी अर्चना जी और हमारी दीदी आभा जी उनके आदेश का हम पालन करते हैं। आज जो हमारे सैफ भाई हमारे साथ जुड़े हैं उसी के विषय के लेके आए हैं हमारे के, आज जिला के पदाधिकारी बने हैं। और रही बात कि उनका उद्देश्य ये है कि जो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब भाई भाई हैं, हम सबको साथ लेके चलना है, कोई चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई भूखा ना रहे। बड़ी अच्छी बात है। और कोई भूखा ना रहे, और बाकी हम देश के लिए काम करेंगे, अवाम के लिए काम करेंगे, हम सरकार की मदद करना चाहते हैं और सरकार की मदद करेंगे। और इस संगठन में जो भी अधिकारी का अगर मैटर है कि अधिकारी द्वारा अगर सुलह होता है, समझौता होता है, खत्म करवाया जाता है विवाद का, तो अधिकारियों से बात करके उनको मैनेज करवा के खत्म कराया जाएगा। हमारा और हमारे संगठन का यही लक्ष्य है और यही हम करेंगे, ठीक है। और शासन प्रशासन से मिल के सारा सहयोग हम करेंगे, वो हमारा सहयोग करेंगे। हमारे जिला के जो भी पदाधिकारी, जैसे हमारे जिला में 26 थाना है कोतवाली, हम जो है विधानसभा का हमारे में नहीं बनाया जाता, थाना कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है, थाना का बनाया जाएगा 2600 थाना का, वो जो है अपने थाना के एरिया में जितना गांव आएगा वो गांव पूरा कवर करेंगे, गांव के जो बनाए जाएंगे वो अपना गांव कवर करेंगे। अच्छा, आज कौन कौन सदस्यता आपकी ग्रहण कर रहे हैं? हमारे सदस्यता तो ग्रहण जो है साहब अब्बास रिजवी साहब तो कर लिए थे पहले, पदाधिकारी के जो है सिर्फ भेज दिए थे वहाँ डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी के पहले, इनका तो पदाधिकारी जो है जिला के डिस्ट्रिक्ट के हो गए। और ये जो है पूरी टीम अपने हिसाब से हमको बताएंगे किसको कहाँ रखना है, वो अपनी टीम खड़ी करके हमको बता देंगे, उस पे जो है हम ओके कर देंगे। ये सब करने में बड़ी कठिनाई भी आएगी, इसमें शासन प्रशासन का हेल्प लेंगे और बाकी जो विरोधी हैं, वो हमसे जो है वो कुछ लोग हर किसी के हर इंसान के जो दुश्मन होते हैं इसमें अड़ंगन आएंगे, जो भी हेल्प चाहेगी इस प्रशासन का हम तत्काल जो है कप्तान साहब से बोल के, डीएम साहब से, डीआईजी साहब से बोल के, और जरूरत पड़ेगी कमिश्नर साहब से पूरा हेल्प दिलवाएंगे अपने जो है संगठन के लिए, ठीक, ताकि हमारे संगठन के पदाधिकारियों को कोई जो है दिक्कत ना आए। बस इसी के साथ मैं अपनी बातों को